उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की दम घुटने के कारण मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 8 जनवरी की रात को खाना खाने के बाद ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर पूरा परिवार सो गया था, और जब मंगलवार की शाम तक घर से कोई नहीं निकला तो मोहल्ले वालों ने गेट तोड़कर अंदर जाकर देखा। इसके बाद उनके होश उड़ गए। घर के अंदर जाकर देखा पड़ोसियों ने तो बेसुध पड़े लोगों को बाहर निकाला, और इस हादसे में 5 बच्चों की मौत पहले ही हो चुकी थी। इलाज के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई, बाकी एक सदस्य की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह भारी पुलिस बल पहुंचे, और इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। ये घटना थाना क्षेत्र के सैत नगली के गाँव ढक्का मोड़ की है, जहाँ के रहने वाले रईसुद्दीन के घर में उसकी पत्नी सहित 3 बच्चे और रिश्तेदारों के 2 बच्चे खाना खाकर सो गए, लेकिन ये लोग मंगलवार की शाम तक नहीं उठे, जिसकी वजह से 3 बच्चे और 2 रिश्तेदारों के बच्चे सहित 5 बच्चों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रईसुद्दीन और उसकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें इलाज के दौरान रईसुद्दीन की पत्नी की भी मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने बताया कि मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि कमरे की अंगीठी में एक कोयला जलाया हुआ था, और जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद फारूक सर। अच्छा, क्या घटना घटी, क्या हुआ है? घटना भैया, ये रात सोए थे, खाना वाना खा के, 3 रिश्तेदार थे इनके और हमारे रईसुद्दीन भैया है, उनकी फैमिली थी पूरी। फिर वहाँ पे रात सोने के बाद पता नहीं चला, सुबह जब हुई तो किसी ने देखा नहीं, तो जब शाम को पूरा दिन एक्टिविटी नहीं रही बच्चों की निकलने की, तो शाम को घर वालों ने सबने मोहल्ले वालों ने देखा तो अंदर से कमरा बंद था, कमरा तोड़ के जब देखा तो उसमें ऑक्सीजन बनी हुई थी, जो कि वो रात आग वाग लगा के कोयले से लगा के तापने के लिए लगाए थे, उसकी वजह से ये सब।